नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आर्सेनिक एल्बम 30 मेडिसिन को कैसे यूज करना है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे बच्चों में कैसे देना चाहिए, कैसे यूज करना है, एडल्ट्स में कैसे यूज करना है। बहुत आसान शब्दों में इन सारे डिटेल्स को हम समझेंगे, कब रिपीट करना है, कैसे रिपीट करना है, किसको रिपीट नहीं करना है और किसे रिपीट सही मात्रा में कितने दिन बाद करना है। तो आर्सेनिक एल्बम के पहले सिम्टम्स को समझ लेते हैं। काफ़ी सारे सिम्टम्स हैं जिससे कि हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये मेडिसिन जो है ये कोई भी किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं है, ये एज ए इम्यूनिटी बूस्टर है। तो जब हमारी इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी, जब हमारी इम्यूनिटी ठीक रहेगी तो हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो है बढ़ जाएगी और हम आसानी से बीमारियों से फाइट कर सकते हैं, बीमारियों से लड़ सकते हैं। तो आर्सेनिक एल्बम ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है हम सभी के लिए, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं ये काफ़ी मेडिसिन इस बीमारी से मैच होते हैं। तो इस मेडिसिन के जो सिम्टम्स हैं पहले वो समझ लेते हैं। इन मेडिसिन में जो सिम्टम्स होते हैं, कफ कोल्ड से पेशेंट को बहुत जल्दी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, यानी कि अगर वो ठंडा कुछ खा ले, ठंडा पी ले, ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स ले ले तो उस मरीज को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, उसके सिम्टम्स में बढ़ोतरी हो जाती है। गले में उसको बहुत ज़्यादा निगलने पर तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा उसको स्वॉलिंग डिफ़िकल्टी होती है। ये आर्सेनिक एल्बम के पेशेंट की खासियत है। दूसरा, इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा फियर रहता है, बहुत ज़्यादा डर रहता है और उस मरीज़ को ऐसा लगता है कि मुझे कोई ऐसी बीमारी होने वाली है जो इनक्यूरेबल है, यानी कि वो कभी ठीक नहीं हो सकती है, ऐसी उसको फीलिंग होती है और बहुत ज़्यादा उसको फियर रहता है। फियर ऑफ डेथ इस मेडिसिन का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है, फियर ऑफ डेथ, ठीक है। और इस मेडिसिन में जो पेशेंट को आराम मिलता है वो हीटिंग्स है, यानी गरम गरम कुछ खा ले वो पेशेंट, या गरम गरम हॉट ड्रिंक्स हो, गरम गुनगुना पानी होता है नमक का या हल्दी का, उसके अगर गार्गल्स कर दे तो और जल्दी आराम मिलेगा। नॉर्मल पानी से भी इवन अगर वो गार्गल्स करता है जो कि गुनगुना है नमक डाल के, तब भी उस पेशेंट को बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। तो इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं और इसमें हेडेक भी है, बहुत ज़्यादा पेशेंट को हेडेक रहता है, कई बार बहुत ज़्यादा फियर रहता है, पेशेंट को बुखार आ जाता है। इसकी जो समस्या होती है वो रात में 12-1 बजे के बाद बढ़ती है या फिर दिन में 12-1 बजे के बाद बढ़ती है, जो कि इसकी इस मेडिसिन की खासियत है। इस मेडिसिन को लेना कैसे चाहिए, इसके काफ़ी सारे ब्रॉड यूजेस है, बहुत काफ़ी सारी बीमारियों में इसके यूजेस किए जाते हैं। बात करें कि इस मेडिसिन को लेनी कैसे है, देखिए 30 पोटेंशियम है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अभी इस मेडिसिन को अप्रूवल दिया गया है और अच्छे तरीके से ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। तो यहाँ पर 30 पोटेंशियम में 6 ग्लोब्यूल्स आपको लेनी है। एडल्ट डोज की हम बात करें तो 6 ग्लोब्यूल्स आपको लेनी है सुबह खाली पेट, 30 पोटेंशियम में 6 ग्लोब्यूल्स आपको लेनी है खाली पेट सुबह, और ये कंटिन्यूसली आपको 3 दिन लेनी है। 3 दिन बाद आप इसे बंद कर दीजिएगा और 1 महीने बाद फिर से हम इसे रिपीट यही इसी तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, बच्चों की अगर हम बात करें चिल्ड्रंस की, तो 4 टैबलेट्स यानी कि 4 ग्लोब्यूल्स जो हैं हम खाली पेट सुबह बच्चों को दे सकते हैं और 1 महीने बाद फिर से रिपीट कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, जब भी आप रिपीट करें अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर सलाह लें, होम्योपैथिक फिजिशियन से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें, उसके बाद ही रिपीट करें। अगर लगेगा तो वो रिपीट कर सकते हैं और नहीं लगेगा तो रिपीट नहीं करेंगे। तो आपको एक बार ज़रूर उनसे कंसल्ट करनी चाहिए। इम्यूनिटी बूस्टर है, बहुत अच्छे तरीके से इम्यूनिटी वर्क करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है, जिससे कि हम अपने लंग्स को, हम अपनी बॉडी को, हम अपनी बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करें। फिर मिलते हैं इसी तरीके से नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।